ऑनलाइन क्लासेस में पूरा नीट का यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये संभावना बनती है कि आप मोस्टली आप 12 कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन यदि जो बच्चे 12 कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और वो 12 के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये साल, ये जो ईयर है, इस साल में संभावना मोस्टली यही बनती है कि आपके स्कूल कॉलेज जो खुलेंगे उसमें काफी समय होगा, तो तब तक आप मतलब ये मान के चलिए कि बाहर घर से निकलना ही नहीं है। 24 घंटे में से जो सोने का समय है उसको साइड में निकाल दीजिए, बाकी समय जो नॉर्मल जो आपकी जनरल जो चीजें करते हैं, आपके जो डेली रूटीन की जो चीजें हैं, उनके लिए एक दो घंटे साइड में निकाल लीजिए। भाई खाना भी जरूरी है, खाओगे नहीं तो करोगे कैसे? यस, उसके लिए निकाल दीजिए। बचा हुआ जो पूरा समय है, 6 घंटे की नींद, 2 घंटे एक्स्ट्रा जो भी आपकी डेली रूटीन की चीजें, 6 और 2 8 24 में से 8 गए, 16 घंटे बच गए। 16 घंटे में से और 2-3 घंटे आप निकाल दीजिए, फ्री लेजर टाइम निकाल लीजिए, जो निकालना है, तो 12-13 घंटे आपके पास बच रहे हैं। 12-13 घंटे प्रॉपर स्टडी के लिए डिवोट करना है आपको, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। आपने डिसाइड कर लिया ना 12 घंटे, तो 12 घंटे रोज के मिलने चाहिए, 12 घंटे इट इंक्लूड लेक्चर टाइम आल्सो। भाई लेक्चर को छोड़ के कहां चले जाओगे? भाई दिन तो 24 घंटे का है, आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके पड़ोसी के लिए हो, दिन तो 24 घंटा सबके लिए है। उसी 24 घंटे को आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है, इफेक्टिवली मैनेज नहीं करोगे टाइम को तो टाइम आपको बर्बाद करेगा। अभी आप टाइम की तरफ देख के हंसोगे, है मैं तुझे बर्बाद कर रहा हूं, टाइम बाद में उठ के बोलेगा मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद होने से बचना है हमें। क्या ये बातें आपके दिमाग में आ रही है हमारी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो अब आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मुझे नहीं मालूम लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।